सत्यकाल, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत आप सबका मेरे इस दूसरे ब्लॉक के अंदर। तो फाइनली हम पहुंचे हैं फरीदाबाद के अंदर और अभी हम जाने वाले हैं सेक्टर 15 फरीदाबाद श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में। वहां पे गुरु पूर्णिमा भगवान जी स्नान होने वाला है, स्नान करने वाले हैं। तो पूरा व्यू दिखाएंगे आपको हम मंदिर का, कैसा है, क्या पूजा पाठ है, कैसे नहीं है। तो आप सबको दर्शन कराएंगे भगवान जी के आज। तो आज का व्लॉग होगा बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड, बने रहिएगा हमारे इस ब्लॉक के अंदर। और आपको दिखाते हैं, अभी हमारे राइडर्स बाइक आ चुके हैं सारे के सारे यहाँ पर, सभी अपने बाइकों को लाइन अप कर रहे हैं, दिखाते हैं आपको। तो यहाँ हमारे सारे भाई सब आ चुके हैं और सभी अपनी बाइकों को लाइन अप कर चुके हैं, देखेंगे। ऑल आर द बाइक्स हियर। तो यहाँ खड़ी है हमारी रेड बीस्ट और उसके पीछे हमारे राइडर भाई की बाइक, राइडर नायक। आइए हम मिलवाते हैं हम आपको विपिन भाई से, जो हमें आगे लीड करने वाले हैं, बताने वाले हैं कि हमारा राइड कहाँ जाएगी, कहाँ नहीं, कौन से सेक्टर में जाने वाली है, क्या कुछ आगे का प्रोसेस है। हमारे साथ भी जुड़ चुके हैं हमारे विपिन भाई, जो आपको बताएंगे आगे गाइडनेस, कहाँ क्या रास्ता है, कौन से सेक्टर में है, क्या नहीं है। विपिन भाई बताओगे आज के राइड के बारे में, कहाँ पे क्या जाने वाले हम। राइड जो हमारी बहुत लंबी राइड नहीं, आज शॉर्ट राइड है। हम जा रहे हैं सेक्टर 15A श्री जगन्नाथ मंदिर। बाकी की चीज़ें आपको वहीं पे मंदिर में दिखाएंगे। मंत्री भाई आप सब क्या कहना चाहोगे। तो भाई कुछ कहना चाहते हैं। भाई कुछ नहीं कहेंगे भाई, हमारे आज राम जी का जो है वो पालकी निकल रही है, ठीक है। तो हम उस पालकी में जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, ठीक है। बाकी वहाँ जाके देखते हैं क्या इन्जॉयमेंट होता है, ठीक है। बस हमें इन्वाइट किया गया तो हम इसलिए जा रहे हैं वहाँ पे। बाकी आपको पता ही है कि इंडिया में भाई राम जी के लिए क्या किया जाता है, ठीक है। तो हमें जाना जरूरी है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय भारत। तो भाइयों सभी हम मिलते हैं आपको आगे राइड में, दिखाते हैं, चलते हैं और सीधा पहुंचते हैं मंदिर। So, आगे जो चल रहे हैं लीड करते हैं वो है हमारे शहबाज भाई, विपिन भाई एंड हियर इज द राइडर सुमित, राइडर निक्कू एंड राइडर नायक एंड पीछे हमारे भाई आ रहे हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। आज की राइड को हमारे को ज़्यादा लंबी है नहीं और ना ही ज़्यादा हम कुछ फास्ट बाइक चलाने वाले हैं। नॉर्मली अपनी बाइक को हम चलाएंगे एंड मंदिर पहुँचेंगे, पूजा पाठ करेंगे। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और पता है पूर्णिमा का आज का दिन है, तो पूर्णिमा का जो कि बहुत शुभ माना जाता है हमारे हिंदू धर्म के अंदर। और श्री जगन्नाथ भगवान जी का स्नान का भी बताया गया, स्नान करवाया जाएगा, उनकी पालकी को उठाई जाएगी। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि यार हमें ऐसा मौका मिल रहा है। तो इसके लिए हम थैंक करना चाहेंगे हमारे जो लीडर हैं, टीम के ग्रुप है, मिस्टर जीवनदीप बिस्वाल, जो कि यहाँ पे अभी हमारे साथ राइड पे नहीं है, वो डायरेक्ट हमें मंदिर में मिलेंगे। सो सीधा हम मिलवाएंगे मंदिर में, कैसे क्या है क्या नहीं है, जो भी है एक्स वाई जेड आपको सब वहीं मिलेगा। जब तक आप बने रहिए हमारे राइड पे। I'm not afraid to die.
फरीदाबाद सेक्टर 15 श्री जगन्नाथ जी का टेंपल जहाँ पे स्थापित है। आप सभी भी आए श्री जगन्नाथ जी के टेंपल में और भगवान जी का आशीर्वाद लें। चलिए आपको सीधा अंदर लेके चलते हैं मंदिर में, और जो कि आज गुरु पूर्णिमा पूर्णिमा स्नान है आपको हम दिखाते हैं उस चीज का। और ये हमारी जो सामने है ये हमारे विपिन भाई जो कि आज का व्लॉग शूट कर रहे हैं। एंड दिस आर टेंपल। और ये हमारे सभी राइडर भाई जो कि वेट कर रहे हैं, पता नहीं भाई किसका वेट कर रहे हैं किसका नहीं, जहाँ देखेंगे वहाँ खड़े हो जाएंगे, बस गपशप करने में स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब कोई काम नहीं है। ये देखो ये बाल सवारने में लगे हुए हैं, पता नहीं कैसे नाके भी आए नहीं आए, हैं नाके नहीं आए क्या, नाके आए हो हैं फ्री वाले में आते मारे हो, ट्रैक क्लीन करके आए नाके नहीं आए, ये ट्रैक क्लीन करके आए नाके आए भाई, साइड हो जाओ। ऐसा व्यू है अंदर का, और वाकई में यार बहुत मज़ा आ रहा है भाई। अंदर से ना सोल एक अंदर ही एक अलग ही तरह की आ रही है कि यार पॉजिटिव एनर्जी, इस पॉजिटिव एनर्जी को और अंदर वो करते हैं और आपको सीधे चलाता है परमात्मा भगवान के दर्शन। और अंदर देखते हैं भाई क्या है, उससे पहले अगर कुछ पूजा पाठ या कहीं मत्था वत्था देखना आरती वारती लेनी है तो वो भी लेते हैं, अगर आपको करवाते हैं भगवान दर्शन जितने भी यहाँ पे। चलिए जय जगन्नाथ जी। जीवन भाई आज के राइड के बारे में या जो डिस्क्रिप्शन में बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, थोड़ा सा टाइम दे मेरे को, थोड़ा सा बताओ कि आज क्या है, किस नक्षत्र में पूजा पाठ की जा रही है क्या। अच्छा, सबको तो मेरी तरफ से जय जगन्नाथ। और आज का जो ये उत्सव है स्नान पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, जिसमें जगन्नाथ जी का बहुत अच्छे धूमधाम से उनको नहलाया जाता है, जैसे कहते हैं स्नान कराया जाता है उनको। और इस स्नान में वो कहने का मतलब एक फेस्टिवल के रूप में है कि अगर वो अभी उनको पड़ लग जाएगा और वो बीमार हो जाएंगे, फिर सारे जितने भी हमारे जितने भी जो आप लोग हो, आप लोग सारे आते हैं, आप लोग भी आते हैं ऐसे, ठीक है, तो उसमें क्या रहेगा कि जो हमारे जगन्नाथ जी है उनको आज नहलाया जाएगा, जो स्नान कराया जाएगा, उनसे वो बीमार हो जाएंगे और बीमार हो जाएंगे गर्भगृह में रहेंगे बहुत दिन, बीमार रहेंगे तो उनकी कोई पूजा नहीं, मंदिर बंद रहेगा। आफ्टरऑल उसके बाद रथ यात्रा होती है 14 दिन बाद, और रथ यात्रा भी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। तो अभी आप लोग आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है फिनिक्स ग्रुप, और आप आइए, मेरा भी स्वागत है क्योंकि मैं भी आप लोगों के साथ हूँ। तो आइए चलते हैं अंदर। थैंक यू जीवन भाई, आपका थैंक यू, बहुत ही अच्छा लगा। पूजा हो रही है तो आप सूर्य पूजा आइए, सूर्य पूजा चलिए अभी हो रही है अंदर सूर्य पूजा, जिसने हमें बताया जीवनदीप भाई ने, चलते आपको लेके चलते हैं सीधा आरती में सम्मिलित करते हैं। जय जगन्नाथ। यहाँ पे अपने भाई अपने पैरों को प्रो करें और फिर हम प्रवेश कर रहे हैं, बने रहिए जब तक। तो हमेशा भगवान जी के बिल्कुल सामने रहते हैं, तो देख सकते हैं अभी यहाँ पे हमारे श्री कृष्ण जी, सुभद्रा जी और बलभद्र जी बैठे हुए थे और स्नान पूर्णिमा के लिए जा चुके हैं वो। अभी इनको थोड़ा सा मूल रूप रखते हैं इनका, कि एकदम नहीं हटाते हैं, तो थोड़े से इनके उनके जो
आप कह सकते हैं भगवान जी के जो हल्की छोटी मूर्ति रखी हुई है, एकदम खाली नहीं कर सकते हैं भगवान जी का वो जो स्थान, तो इसलिए छोटी मूर्ति रखी हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत चित्रकार कलाएँ कर रखी हैं। हाँ, और आप सारी, हाँ ये सारी गोपियाँ यहीं हैं, गोपियाँ हैं। और यहाँ पे कृष्ण जी की थोड़ी सी लीला है अपने गोपियों के साथ, हाँ राधा जी के साथ देख सकते हैं। और आप पूरे मंदिर के साथ, मंदिर के अगर चारों तरफ जाएंगे ना तो आपको अलग अलग रूप भी, भगवान के रूप भी दिखेंगे। जैसे नरसिंह रूप है अगर पीछे हैं, तो सारे रूप जो हैं उनके, तो सारे रूप यहाँ पे पूरे मंदिर के चारों तरफ, चारों पैनल पे टकासल किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं व्यू दिखा भाई। तो जैसा कि आपने सुनने को मिला, जीवन भाई ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, इतनी मतलब डीपली नॉलेज दी जो कि मुझे भी नहीं पता था। तो ऐसे माहौल में आकर ना आप सबको इतना यार ज्ञान मिलता, आपको अपनी नॉलेज मिलती है अपने रिलीजन के बारे में, धर्म के बारे में। तो यार हैट्स ऑफ टू यू एंड हैट्स ऑफ टू जीवन भाई, जिनको इतनी अच्छी नॉलेज है और इतना सब कुछ उनको पता है। तो मुझे तो बहुत वाकई में अच्छा लगा आकर के, इतना कुछ जानने को मिला। और होप सो गाइस कि आप सबको भी पता लगा होगा कि हाँ ये सब चीज़ें भी हैं, ये प्राणिक चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए अपने इनके बारे में। तो आप सब भी अपने इस ब्लॉग को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, मम्मी पापा के साथ में, उनको बताएं कि हाँ ये सब चीज़ें भी यहाँ पर है। फरीदाबाद के अंदर सेक्टर 15 में ये टेम्पल स्थित है। जिन लोगों को नहीं पता हो आए विज़िट करें और भगवान के दर्शन लें। बिल्कुल लेंगे भाई जी। तो अभी इतना अच्छा लग रहा है, मतलब कि यार ऐसे माहौल में आकर ना एक मन को एक अलग ही शांति मिलती है, दिखता है कि हाँ बिल्कुल। हाँ जी भाई जी। तो अभी हमारे साथ में है टेंपल के अंदर हमारे सचिन पांचाल भाई, जो कि हमारे ग्रुप के एक मेंबर हैं। तो उनसे हम थोड़ा सा लेंगे यार कि यार कैसा फील आ रहा है आपको आकर। हेलो गाइस, कैसा आपको फील लग रहा है? सब लोगों का स्वागत है भाई के ब्लॉग में। फील यार ऐसा आ रहा है, ऐसे बोलता है बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया वाली शांति है यहाँ पर। कोई टेंशन नहीं है काम की, घर की, या एनीथिंग किसी भी चीज़ की। एक अलग सी शांति है, ये शांति होनी चाहिए मन में आदमी को। मैं कह रहा हूँ महीने में एक दो बार जब भी टाइम मिले आना चाहिए यहाँ पर। थोड़ा रिलैक्स माइंड होगा, थोड़ा भगवान का भी नाम लिया जाएगा। तो एक ये और पता लगता है कि हाँ यार हमारे रिलीजन के अंदर भी ये सब चीज़ें हैं, ये सब पुरानी बातें हैं यार, ये चीज़ें हैं, नॉलेज होनी चाहिए, है ना। सो यार मैं खुद वाकई में, मतलब मेरे को खुद इतनी नॉलेज नहीं थी जितनी जीवन भाई ने बताया उनके बारे में। यार वाकई में बहुत अच्छा लगा। सो आप भी इस नॉलेज को आगे शेयर करें अपने मम्मी पापा के साथ में, भाई बहनों के साथ में, उनको बताएं कि हाँ ये सब चीज़ें भी हैं हमारे रिलीजन के अंदर। और पीछे हमारे विपिन भाई हैं, तो विपिन भाई डिस्टर्ब कर रहे हैं आपको। तो विपिन भाई आप मुझे बताइए, जो जीवन भाई ने इतनी डिटेल्स बताई हैं उनके अवतार के बारे में, उधर बारे में आपको पता थी ये सारी चीज़ें? बचपन में मतलब बहुत हमने मूवीज देखी हैं, कार्टून देखे हैं, जिनमें से हमें ये सब जानने को मिला था। बट ये कि थोड़ा संस्कृति बीच में थोड़ा लोग ध्यान नहीं देते थे, तो इस वजह से हम भी थोड़ा भूल गए थे कि कौन से भगवान का क्या नाम है।
जैसे कि जीवन भाई ने बताया हमें, सब रिमाइंड हो गया कि ये भगवान का ये नाम था। उसका एक रीजन ये बनेगा जीवन भाई यार अपने उससे टच रहते हैं, मंदिर आते जाते हैं, अपने धर्म से जुड़े ही रहना चाहिए। चलो पिछला जो हुआ हुआ, बट अब धर्म से कभी पीछे नहीं हटना और धर्म के साथ ही जुड़े रहना है। इसी के साथ आप सबको भी कहूँगा मैं, आप अपने हिंदू धर्म से जुड़े रहिए, उसे सपोर्ट करिए और एकता बनाए रखिए। जय श्री जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ भाई, जय श्री जगन्नाथ। थैंक यू विपिन भाई, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने यार इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं और हमें वाकई में यार बहुत ही ज़्यादा पेशन मिलता है। आगे बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ में, हम आपको लेके तो अभी हमारे साथ में जीवन भाई हैं। जीवन भाई जी, आप मुझे बताएंगे कि एक बार जगन्नाथ जी की मूर्ति है, उनके क्या स्पेशलाइज है, क्या कुछ नहीं बताएंगे? तो आपने देखा होगा जो जगन्नाथ जी की मूर्ति अभी आप लोगों ने देखी, जगन्नाथ जी की, सुभद्रा जी की और उनके भाई बड़े भाई जो हैं बलभद्र जी की, आपने देखा होगा उनके हैंड नहीं है, हाथ नहीं है, उनके पैर भी नहीं है, आपने देखा होगा। जब जगन्नाथ जी, जब इन जो हमारे जिनने बनाया जगन्नाथ जी को, वो अधूरा बनाया, वो बहुत बड़ी कहानी है। आप अगर, मैं किसी दिन फुर्सत में आपको बताऊंगा, बट अभी मैं आपको थोड़ा सा जल्दी से बता दूँ, सत्यवरण कर दूँ कि मेनली क्या रहता है, जो जगन्नाथ जी के उनके हाथ नहीं है, वो चाहते हैं कि हमें गले लगाओ, ठीक है, वो चाहते हैं हमें गले लगाओ। वो देखना होगा आपने दोनों हाथ ऐसे करके गले लगा, हाँ, गले लगाने के लिए वो चाहते हैं गले। उनके आईज आप देख लो बड़े बड़े, उनके पलके नहीं है ऊपर, क्योंकि वो अपने भक्तों को ना बिना पलके झुकाए देखना चाहते हैं, ठीक है, पलके ना झुकाएं एक सेकंड के लिए, तो इसलिए उनके पलके भी नहीं है ऊपर, आप देखा होगा। और बाकी आपने देखोगा मूर्ति रूप में, मूर्ति में बने हुए हैं, है कोई ऐसे आशीर्वाद दे रहा है, ठीक है, कोई कैसे बैठा, कोई कैसे बैठा, बस जगन्नाथ जी कैसे ऐसे हैं, गले गले मिल लो मेरे से, ठीक है, कृष्ण जी हैं कह रहे हैं गले मिल लो। और आपने देखा होगा कि दोनों भाइयों के तो हाथ हैं, सुभद्रा जी के भी नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों भाइयों के हाथ ही उनके हाथ हैं। आप देखोगे मेन करोगे ना, तो अगर तीनों जुड़ेंगे तो दोनों भाइयों के एक एक हाथ उनका हाथ हो जाएगा। तो श्री कृष्ण जी का और बलराम जी का बहन के ऊपर तो हाथ रहता ही है, तो आप देख लोगे तो उनका हाथ, दोनों का हाथ मिलके भी एक हाथ बन जाता है, दो दो उनके हाथ बन जाते हैं। तो ये है, आप जैसे अभी जगन्नाथ जी जब रथ यात्रा करेंगे तो वहाँ पे सुन्ना वेशो बोलते हैं, उनका एक पड है, उनमें सारे सोने की हाथ, सोने के हाथ, सोने के पैर, उनके जो जो जैसे कृष्ण जी के, क्या कृष्ण जी अपने चक्र लेते हैं, ठीक है, शंख लेते हैं, तो ये सारे सोने के बना हुआ है और सोने का उनको पहनाया जाता है। एक दिन ऐसा होता है, सोना भेसो उसको बोलते हैं, वो वेश जो सोना वेशो बोलते हैं वो वेश है, तो जो सोना वेशो करवाते हैं तो वो एक दिन ही डिसाइड होता है, उस दिन सोना वेशो भगवान यहाँ पे सब कुछ उनके, उसी दिन हाथ पैर आप देख सकते हो, वो बस सोने के बने हुए हैं। तो यहाँ पे भी वो पूरी रीति रिवाज सब कुछ जैसा उड़ीसा में होता है, आप जगन्नाथ मंदिर में भी सेम जगन्नाथ जी की सेम पूजा उस तरीके से ही होती है। ये है देखो सब, इसमें पावर क्या ही बात है, क्या ही बात है, क्या ही बात है। Yeah.
तो आज के दिन की शुरुआत सुबह हमारी हुई थी 8 से 9 बजे के बीच में और अभी बज गए हैं 2। भगवान के इस सम्मेलन में इसके अंदर पता ही नहीं चला कि कब कैसे 2 बज गए। इतने मौज मस्ती और इतना आनंद आया कि हम बता नहीं सकते। तो अभी फाइनली हम ब्लॉग को करते हैं समाप्त, तो निकलते हैं यहाँ से और मिलेंगे जल्द किसी आपको ब्लॉग के अंदर। ये हमारे जीवन भैया। भैया जी जा रहे हो क्या? हाँ जी भाई जी जा रहे हो क्या? हाँ जी जा रहे हो भाई। बस चले आज का दिन समापन यार। फाइनली करते हैं ब्लॉग को ख़त्म। बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, नींद से भी आने लगी है। मिलते हैं किसी और ब्लॉग के साथ आपको, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, अपने भाइयों में बहनों में माताओं में ज़रूर शेयर करें आज की इस यात्रा को। थैंक यू, बाय बाय।